साउथ एशिया के ज़्यादातर देशों में जो हिंदी फिल्में और गाने हैं उनका जलवा है। पाकिस्तान में हमारी इस देश के साथ जो लाख दुश्मनी के बावजूद फिल्में या गाने हैं हमारे, उनका बोलबाला है। यही हाल नेपाल से लेकर भूटान तक का है। हालांकि भारत से बेहद अच्छे रिश्तों के बावजूद बांग्लादेश ने हिंदी फिल्मों पर बैन लगा रखा था। बैन हटने के 51 साल बाद शाहरुख खान की पठान वो पहली फिल्म बनी थी जिसका वहाँ पर रिलीज हुआ और धमाकेदार रिलीज। हालांकि इंडिया की फिल्मों से बैन हटने का जो फैसला था, जो शेख हसीना ने लिया था, उनको बांग्लादेश छोड़कर 5 अगस्त को भारत आना पड़ा। ऐसे में स्टोरी में पता करेंगे कि आखिर बांग्लादेश ने हिंदी फिल्मों पर बैन लगा क्यों रखा था, बैन हटने का फैसला जो है इसको क्यों हटाया गया, बांग्लादेश की फिल्म इंडस्ट्री कैसी फिल्में बनाती है, इसका उनके देश का जो समाज है, इकोनमी है, इस पर कैसा असर रहता है। 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली, पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बना। एक तरफ चाइना और अमेरिका, जिस तरीके का वहाँ पर नरसंहार किया था पाकिस्तान ने, उसको पूरा सपोर्ट किया, भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा था। हालांकि आज़ादी मिलते ही बांग्लादेश ने 71 में भारत की जो फिल्में थी उनके रिलीज़ पर बैन लगा दिया। इसके पीछे लॉजिक ये दिया गया कि वहाँ की जो लोकल फिल्म इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करना। बैन के पीछे जो रीज़न दिया गया उसका लॉजिक वहाँ रिलीज हुई पहली हिंदी फिल्म से समझा जा सकता है। हुआ ये कि बैन के 50 साल बाद शेख हसीना ने 2023 में हिंदी फिल्मों से बैन हटा लिया। बैन हटते वहाँ पे शाहरुख खान की 2023 में आई जो फिल्म थी पठान वो रिलीज़ हुई। इस फिल्म को बांग्लादेश में धमाकेदार ओपनिंग मिली। मतलब बांग्लादेश का हाल ये रहा है कि 45 साल के जो शाकिब खान हैं, वहाँ के इकलौते स्टार हैं, बी ग्रेड फिल्मों का मार्केट वहाँ बहुत बड़ा है। रोटी चलाने के लिए यहाँ के थिएटर्स वालों ने इलीगली इंडिया की कॉपीज़ कर करके इंडिया की जो फिल्में हैं उनको वहाँ पे चलाया। थिएटर्स को ज़िंदा रखने के लिए पोर्नोग्राफी दिखाई गई वहाँ पे। आलम यह था कि पोर्नोग्राफी दिखाने के बावजूद पिछले 2 दशक यानी 20 सालों में 1000 से ज़्यादा थिएटर्स बंद हो गए। कई सारे थिएटर्स को शॉपिंग मॉल, अपार्टमेंट्स में कन्वर्ट करना पड़ा। एक्चुअली यहाँ पे एक फैक्ट ये है कि 8 देशों का एक सार्क के नाम का समूह हुआ करता था, एक्टिव ग्रुप था। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव, इसके अलावा अफगानिस्तान, ये तमाम 8 देश थे। 8 देशों के इस ग्रुप का लक्ष्य साथ मिलकर शांति समृद्धि की ओर बढ़ना था। हालांकि पाकिस्तान के आतंकी हमलों के बाद इंडिया ने पॉलिसी अपनाई कि टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चल सकते। इसके बाद एक ग्रुप के तौर पर सार्क ठंडे बस्ते में चला गया। इस ग्रुप की बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अमेरिका और यूरोप वाले भारत पाकिस्तान जैसे देशों को साउथ एशिया के रीजन के तौर पे, कलेक्टिव 8 देशों के रीजन के तौर पे देखते हैं। इस रीजन में मेनली वही देश हैं जो सार्क का हिस्सा थे। हाल के दिनों में इंडिया की पोजीशनिंग ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर होती रही है। ये जो पोजीशनिंग है सिनेमा के मामले में झलकती है। दरअसल जिस तरीके से इंडिया में मार्वल या डीसी के स्केल की जो आयरन मैन या बैटमैन जैसी फिल्में हैं वो नहीं बन पा रही, वैसे ही साउथ एशिया के जो तमाम देश हैं वहाँ पे जो बॉलीवुड है उसका डोमिनेंस है वो उसके लेवल को या साउथ की जो हमारी फिल्में हैं उनको मैच नहीं कर पा रहा। ऐसे में होता यह है कि साउथ एशिया के इन देशों की फिल्म इंडस्ट्री आर्थिक तंगी और टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से इंडिया की फिल्मों को मैच नहीं कर पाते, इनको कॉपी करती हैं। इसी का बेस्ट एग्जांपल है बांग्लादेश। 1971 की आज़ादी के बाद से भले ही इन्होंने इंडिया की फिल्मों पर बैन लगाने का फैसला लिया, लेकिन ये फैसला बुरी तरीके से फेल रहा। फाइनली 23 में शेख हसीना ने इस बैन को हटाने का काम किया। रीज़न ये था कि यहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री थी वो बहुत बुरी हालत में थी। यहाँ पर आपको पता चलेगी एक इंटरेस्टिंग बात, बांग्लादेश ने ढाका और बॉलीवुड का कॉकटेल बना के अपनी जो फिल्म इंडस्ट्री उसका नाम रखा है ढॉलीवुड। लेकिन गुजरात की फिल्म इंडस्ट्री को भी ढॉलीवुड बुलाया जाता है। अगर आप गूगल करेंगे तो विकिपीडिया पर बांग्लादेश की जगह गुजरात के ढॉलीवुड का पेज खुलेगा। इसकी वजह यह है, मतलब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं गुजरात वालों ने ढॉलीवुड नाम क्यों रखा, तो गुजराती फिल्मों में या गुजरात में ढोल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए वहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री उसको ढॉलीवुड बुलाते हैं। इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के बाद वापस लौटते हैं बांग्लादेश की फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। एक तरफ इंडिया में जहां हर साल ऑन एन एवरेज 2000 फिल्में बनती हैं, वहीं बांग्लादेश में हर साल 70 से 100 फिल्में बन पाती हैं। हालांकि एक तरफ जहां 80 और 90 के दौर में इंडियन सिनेमा पीक करने लगा था, वहीं बांग्लादेश में ऐसी फिल्में नहीं बन पाईं जो ऑडियंस को वो थिएटर तक लेके आ सकें। ऊपर से इंडिया की फिल्मों को कॉपी पेस्ट करके बनाई गई फिल्में जो थीं उनको ऑडियंस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बांग्लादेश में नहीं मिला। हालांकि 1993 में इंडिया से कॉपी की गई फिल्म ने वहाँ की जो इंडस्ट्री थी उसमें थोड़ी सी जान फूकने का काम किया। हिंदी फिल्म कयामत से कयामत तक को कॉपी करके कीमत थे के कीमत बनाई गई। 71 में जन्मे फिल्म स्टार सलमान शाह की डेब्यू फिल्म थी, फिल्म सुपरहिट हुई, सलमान चमक गए। 94 में उनकी 6 फिल्में रिलीज़ हुई, ज़्यादातर हिट रहीं। देखते देखते सलमान बांग्लादेश की फिल्मों के सुपरस्टार बन गए।
1996 में उनकी बैक टू बैक फिल्में रिलीज़ हुई, सुपरहिट रह रही थी और ऐसा लगा कि बांग्लादेश की फिल्म इंडस्ट्री पटरी पर आ जाएगी। हालांकि 24 साल की उम्र में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। उनकी लाश उनके अपार्टमेंट में एक पंखे से झूलती मिली थी। बाद में पुलिस ने इसको सुसाइड का मामला बताया। सलमान शाह की मौत इंडस्ट्री की मौत साबित हुई एक तरीके से। साल 2000 के बाद से पोर्नोग्राफी का दौर आ गया बांग्लादेश की फिल्मों में। वहाँ के फिल्म मेकर्स थोक में इस हथकंडे को अपना के चमकने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ काम नहीं आया। सलमान की मौत के बाद मेहंदी, मुनमुन, मयूरी और अलेक्जेंडर जैसे तमाम ऐसे कलाकार आए जो बी ग्रेड कलाकार थे। इस दौर को बांग्लादेशी सिनेमा के अंधकार युग के तौर पर जाना जाता है। हाल ही के बांग्लादेश में 2003 में अश्लील फिल्मों के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। 2007 में बांग्लादेशी सरकार को इन फिल्मों पर नकेल कसने के लिए दखल देना पड़ा। 23 में नौबत यह आई कि शेख हसीना को फिल्म मेकर्स से अच्छी फिल्में बनाने की अपील करनी पड़ी। उन्होंने अपनी फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए 2022 में एक पैकेज दिया। 700 करोड़ रुपए दिए गए ताकि उनकी जो इंडस्ट्री है वो रिवाइव हो पाए, लेकिन रिवाइवल नहीं हो पाया। और 23 में ये फैसला लिया गया कि जो इंडिया की फिल्में हैं वो वहाँ पर रिलीज़ होंगी। इस बीच शाहरुख, सलमान और आमिर की कुछ फिल्में वहाँ चलाने की कोशिशें हुईं, कुछ सफल रहीं, कुछ अनसक्सेसफुल रहीं। फाइनली 23 में हसीना ने इंडिया की फिल्मों पर जो बैन था वो हटा दिया। बांग्लादेश में इन फिल्मों की एंट्री का रास्ता खुला। हालांकि अब जब वो पीएम नहीं रही हैं तो देखने वाली बात ये होगी कि बड़ी मुश्किल से बांग्लादेश में डेब्यू करने वाली इंडिया की जो फिल्में रही हैं करीब 50 साल बाद, उनका फ्यूचर क्या होगा।